मनोज बाजपेई डिसअपियर्ड फॉर मी मतलब वो फिर तिवारी बन गए मेरे लिए और जब कैमरा रो, रोल हुआ जैसे ही कैमरा ऑफ होता था तो मैं एकदम से बचपन तो। से फिल्म बफ और एकदम फिल्मी फिल्मी पने का बाप है अपन ओ जो है ना वो एक मुशायरे के जैसी होती है क्या बात है मैंने देखे है सभी रंग दुनिया के अरे हाँ ये दुनिया ओ माई गॉड यस

तुम्हें इसके बाद सर्दी हो जाएगी बट यू नो थैंक यू माय मुझे दूरी रहे ना। ये वाला <laughs> बीमार <laughs> <laughs> <बिमार हुमें। laughs> so uh, uh, उस बीमारी के बावजूद आप आई हैं थैंक यू थैंक यू सो मच एंड आई आल्सो लव बटर चिकन अ लॉट आई लव बटर चिकन एक्चुअली uh, आपने द रीजन आई वॉज दिस मैंने हाल ही में आपकी एक फिल्म देखी जहाँ पर खाने के ऊपर बेस्ड है और आपने अपने सारे इंटरव्यूज में कहा है कि आपका फेवरेट है बटर चिकन <laughs> तो ये देखते ही मुझे लगा ये तो को अच्छा शार बट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सक्सेस ऑफ थैंक यू कैसा लगा आपको ये इसका जो रियक्शन है has it been different since other films, मुझे ये जानना है डिफरेंट तो है आ, मुझे मतलब एक तो वैसे ही जब से मैंने ये फिल्म मैंने सुनी थी तभी से एक इसके साथ एक जुड़ाव था बहुत ज़्यादा नज़दीकी वाला एकदम तो और जब वो रिस्पॉन्स जब मिलने लगा जब अच्छे लोग, अच्छे लोग और अच्छी अच्छी बातें करने लगे ऑडियंस तो मतलब मतलब वो पोथे लिख रहे थे तो बहुत ऐसा लगा कि यानी जिस चीज़ पे मुझे मतलब उस यकीन था वो लोगों पे लोगों को कनेक्ट कर रही है, है यानी कि जो मैं सोच रहा था वो मैं पूरी तरह से मतलब मैं गलत नहीं था और मतलब दिमाग जरा सही जगह पर जा रहा था खुद का एक वैलिडेशन भी हुआ कि हाँ मतलब जो मैं चुन रहा हूँ वो सही ठीक ठाक है।, है ऐसा कुछ वो नहीं है क्योंकि इसके जस्ट पहले अफवाह में, में मेरा कंप्लीटली एकदम ऐसा था कि वो बिल्कुल अलग कैरेक्टर था और उसको भी जो अप्रिसिएशन मिला मैं बहुत आई एम सो हैप्पी दैट आई डिड अफवा एंड उसके बाद uh, रोल लेट मी बी ऑनस्ट यू नो एक बट इट्स बिन टाइम टू बी आर है मेरे हिसाब से बिकॉज आई थिंक दैट कहीं ना कहीं यू आर आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है एक्चुअली लेट मी गाइस टेल यू मुझे शारिब तब से पता है जब से वो एम टी में काम करते थे हमारा एक कॉमन फ्रेंड है <laughs> yes. रोहित कुलकर्णी एंड <laughs> uh, जब फिल्मिस्तान आ रही थी तब यू uh, नो you know, हम साथ में काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि यार शारिब की पिक्चर हमको देखनी है

Exactly हमारी industry ऐसी है कि कि खासकर के लिए कि कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा <laughs> <चली> <laughs> तो थोड़ा कभी कभी पहुंचने में वक्त लगता है कोई हमेशा सफर में रहता है वैसे मैं हमेशा सफर में रहना चाहता हूं बिल्कुल बिल्कुल तो अगर मंजिल पे पहुंच गए तो खत्म हो गया <laughs> खत्म हो गया बिल्कुल okay, तो, okay. लेकिन आपकी जो कोशिश थी उससे पहले शायद चार साल तो थी दो हजार दस नौ दो हजार दस में छोड़ दी थी मुझे नौ दो हजार आठ के आखिर में मतलब में यानी कि 2009 से मैंने या मतलब फ्री फॉल करना शुरू कर yes, दिया था एंड आई फील दैट बिकॉज वी नो दिस यू नो बिकॉज आई नो दिस आई फील वेरी हैप्पी फॉर योर जर्नी सो कंग्रेचुलेशन बट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो टूडे वॉट योर फीलिंग यू नो द सक्सेस दैट योर सीन कभी कभी जब लोग कहते हैं कि जब सक्सेस मिल जाती है ना तो हमें लगता है कि यार किस चीज के लिए हम इतना मर रहे थे अब वो आ गई है वो ठीक ही है <laughs> आप कैसे हो सक्सेस के मामले में मैं तो चाहता हूँ मुझे और चाहिए मैं मतलब आई थिंक आई डिज़र्व मोर मुझे बहुत सारी सक्सेस चाहिए मैं मतलब वैसे मैं हमेशा ऐसा नहीं कि मैं कोड़ता रहता हूँ कि यार कुछ नहीं हो रहा लाइफ में और ऐसे वैसे मैंने क्योंकि मैं अंदर से बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ अगर ये सब कुछ नहीं भी होता जो भी मतलब छोटी मोटी कामयाबी मिली मैं अभी भी मतलब मस्क मौला रहता खुश रहता मेरी को मेरे को कोई शिकवा या कोई शिकायत नहीं है ऊपर वाले से लेकिन मेरे को चाहिए ज़्यादा और क्योंकि आई डिज़र्व अ लॉट मोर देन व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ बट आई एम एट द सेम टाइम आई एम थैंकफुल ग्रेटफुल और ऊपर वाले का रोज़ शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि कई लोगों को ये भी नसीब नहीं होता है तो वो भी है साथ में और ज़्यादा uh, की उम्मीद भी है चाह भी है और इच्छा भी है और मुझे लगता है कि और आगे यही होगा बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज यू नो आई वॉज थिंकिंग अबाउट द के जब आपने न, नलिन का किरदार निभाया है तरला में एंड टेक्निकली इट्स ना लीड एक मतलब इट इज राइट इवन दो इट्स नॉट द नेम ऑफ द टाइटल रोल ऑफ द फिल्म बट फॉर मी यू आर ऑलरेडी द लीड इन सो इट्स नॉट लाइक इट्स द फर्स्ट टाइम यू आर प्लेइंग रोल लाइक दैट बट डू यू फील कि इस फिल्म के साथ यू नो बिटवीन फॉर एग्जाम्पल तरला का रोल मुझे जानना है मेरे, मेरे, मन मेरे, मेरे मन में डिफ्रेंसी रोल uh, को लेकर कि इसमें मेरा बड़ा रोल है या इसमें मेरा छोटा रोल है वो उस उस वजह से या इस बिना पे मैं कभी उनको डिफरेंशिएट नहीं करता ओके okay. क्योंकि मुझे ज़रा हटके ज़रा बचके में तो मैं इंटरवल के बाद आता हूँ बट मैंने वो भी उतने ही दिल के साथ में उतने ही मज़े के साथ ईमानदारी से किया जितना मैंने तरला का रोल किया है और फैमिली मैन तो मतलब मैं मतलब मेरे लिए बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है मेरी पूरी ज़िंदगी मतलब बदली है थ्री सिक्सटी डिग्री तो वो ऑल थैंक्स टू फैमिली मैन तो और वो तो मैंने वो भी मैंने बहुत इन्जॉय करके किया लेकिन उसके पहले भी मैं उतनी ही मेहनत से काम करता था बट वही वक्त वक्त की बात है मेरे लिए रोल का छोटा बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता है मैं उसमें कर क्या रहा हूँ किन के साथ कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे मज़ा आ रहा है या नहीं और वो जो भी कर रहा हूँ मैं वो कहानी को आगे बढ़ा रहा है या नहीं वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो

या एक्टर्स के शाहरुख के साथ ज्यादा मजा आएगा आ, आपको क्या लगता है कि आपका जो सपोर्ट है सबसे ज्यादा कौन से कॉर्नर से आ रहा है आ, मेरे ख्याल से आ, ये आ, मुझे खुद नहीं पता <laughs> चलो ठीक सवाल पूछा है हाँ क्योंकि मुझे लगता है कि आ, मुझे लगता है कि ये डायरेक्टर्स काफी मुझे पुश कर रहे हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स मुझे बहुत पुश कर रहे हैं मुझे जैसे कि मैंने काफी काम रिसेंटली जो मतलब कास्टिंग बे के साथ में किया मुकेश झाबरा भाई ने तो मुझे इतना सारा काम दिया तरला अफवाह मिशन मजनू और भी मतलब फैमिली मैन <laughs> तो और का, कास्टिंग बे से मुझे अस, ये विक्र, विक्रम वेदा मिली विक्रम वेदा सो मच फन या तो मुझे काफी मतलब एंटी कास्टिंग से वैभव विशांत वैभव विशांत ने मेरा पहला ऑडिशन लिया था फैमिली मैन के टाइम पे जब वो छाबरा साहब के साथ में थे तो वो इतना मज़ा आया था ना उस वक्त ऑडिशन करते हुए क्योंकि पहले वो बंगाली होने वाला था तो मैंने कहा मैं थोड़ा काम करके आता हूँ यार ऑडिशन पे थोड़ा अपने एक्सेंट पे काम करके आता हूँ बोला तो नहीं नहीं ऐसी न्यूट्रल कर दो और जिस तरीके से उन्होंने मुझे क्यूज़ दिए थे मैं फुल खुल गया था और बाहर निकल के लगा कि हाँ आज कुछ कड़क हुआ है बिल्कुल बिल्कुल तो वो उस वजह से मतलब ये सब मेरे लिए मुझे लगता है कि इन सभी ने मुझे पुश किया है कास्टिंग डायरेक्टर्स ने राइटर्स ने डायरेक्टर्स ने एक्टर्स ने एक्टर्स ने मुझे एक किस्सा जो है राज, राज ने बताया था राजे के राज साहब जो हैं राजनिधि मोरू वो स्त्री के शूट पर थे क्योंकि वो फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था पर तो वो उस वक्त फैमिली मैन मेरा ऑडिशन देख रहे थे <laughs> के लिए। तो पीछे से आ गया, रे पाजी ले लो ले लो इनको बैनर्जी ने भी बोला कि अरे आई रियली लाइक शाहर राज ने भी मतलब मेरे लिए कुछ हाँ अच्छे शब्द बोले तो आ, मुझे उ उन्होंने बोला कि इतने सारे एक्टर्स को किसी और एक्टर के लिए इतना प्यार देखा प्यार दे दे मैंने पहली बार देखा तो उन्होंने बोला मैंने इस वजह से तो क्या तो बात है व्हाट अ ग्रेट क्वेश्चन नो इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो हम जब फिल्में बना रहे होते हैं या कोई टीवी सीरीज बना रहे होते हैं वेब शो बना रहे होते हैं

यू you नो know, कुछ लोग होते हैं जिनको काम की वजह से लोग याद रखते हैं लेकिन आपको जेनवइनली लोगों में इंटरेस्ट है एम आई राइट आप सच्ची में लोगों से मिलते हैं उनको याद रखते हैं मुझे मैं अच्छा मुझे अच्छा लगता है जब मैं सबसे मिलता हूँ लोग मुझे इतना प्यार देते हैं और जब सबसे बातें करता हूँ मैं तो इंस्टाग्राम पे भी सबको जितने कमेंट्स हैं सबको कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा जवाब दे सको सबको देता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना लोगों से इंटरेक्ट करना और मुझे इनफैक्ट अभी मैं खुद की तारीफ कर सकता हूँ तो <laughs> <laughs> तो जब शूट पर जाता हूँ तो लाइट वाले हमारे सारे टेक्निशियंस भी अरे सर आज मजा आएगा <laughs> तो exactly. और अगर मैं चार पांच दिन के बाद में मतलब ब्रेक होता है और उसके बाद वापस जाता हूँ अरे सर आपको बहुत मिस किया तो मेरा दिन दिन सुबह सुबह एकदम मस्त हो जाता है कि यार

जो वो नॉट सो नाइस वाले लोगों से नहीं करवाते नाइसनेस हाँ. nice के बारे में आपके क्या विचार है इज इट इज इट हाउ कैन वी कंटिन्यू टू बी एज नाइस एज शार हाउ तो पता नहीं यार लेकिन मैं आ, ये जो आपने कहा ये सारी चीज़ें होती हैं लेकिन अगर आप अगर वो जो करवाना चाह रहे हैं आपसे या कुछ भी अगर आपका एडवांटेज ले रहे हैं जो आप मतलब वो कह रहे हैं जीज़. तो मेरे ख्याल से मुझे उसमें मज़ा ही आता है ऐसे नहीं कि मैं वो अरे यार अब तो मैंने बोल दिया था की नाइसनेस की इमेज को मतलब पकाना पड़ेगा परोसना पड़ेगा उसके सामने मैं तो मजा करता हूँ मतलब अच्छा ये करना है ठीक है ले लो जिया। जिया। सर मुझे एक हैप्पी बर्थडे का विश कर दो मतलब मैं एकदम छोटी सी चीज बता रहा हूँ तो मैं तो वो भी बना के वीडियो बना के भेज देता हूँ फिर वो तो मतलब ऐसे कुछ वो नहीं है और ऐसा नहीं कि आई एम द नाइसेस्ट मैन मतलब मेरी बेगम से पूछिए तो थैंक गॉड मैं तो मतलब अगर कभी कभी अगर किसी लड़ाई वड़ाई में चढ़ता हूं तो फिर मैं फिर एकदम पूरा अच्छा हाँ तो एक्शन सीक्वेंस जाता है एक्शन सीक्वेंस हाँ मुझे मतलब हाथापाई कभी नहीं हुई लेकिन हाँ, हाँ हो जाता है ऐसा ऐसा कुछ मतलब आम है और

नाइसनेस वाली चीज़ है वो मैं इंजॉय करता हूँ ऐसा नहीं कि मैं उसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपता नहीं हूँ या किसी और को कि यार अरे यार ये क्यों मैं नाइस बन गया लेकिन आ, अगर किसी चीज़ को मना करना है तो मैं मना भी कर देता हूँ मैंने एक बहुत बड़ी फिल्म को मैंने दिल पे पत्थर रख के मैंने मना किया था और मैं ऑलमोस्ट आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग नाइस की नहीं कर देता लेकिन मैंने बोला कि काम के सामने कोई कुछ नहीं है भाई काम जरूरी है और कौन सी बोल दी <laughs> 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 बड़ी फिल्म थी पिछले कुछ सालों में आई है ओके 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 I love what you said. You said बड़ी फिल्म uh, आज I love the fact कि हम एक ऐसी यू नो पॉइंट पे पहुँच गए हैं जहाँ पर फिल्मों को टक्कर दे रहा है यू नो ओ टी टी एंड सडनली द स्केल ऑफ थिंग्स डजेंट मैटर द कॉन्टेंट मैटर्स एंड बिकॉज़ आप एक राइटर रह चुके हैं ये तो आपके लिए सबसे गोल्डन पीरियड है डू यू फील दैट दैट इज वेरी एक्साइटिंग फॉर यू एज़ एन एक्टर एज़ वेल एब्सोल्युटली ये जो टाइम है ये तो मतलब सबसे बढ़िया दौर है मतलब क्रिएटर्स के लिए चाहे वो राइटर हो डायरेक्टर हो जो नई कहानियाँ नई चीजें सामने पेश करना चाहते हैं एक्टर्स होम अनकन्वेंशनल फेसेस होम जो मतलब पहले काफी टाइम से जिनको मौका नहीं मिल पा रहा था हम सबको मे मेरा तो मतलब पुनर्जन्म हुआ है थैंक्स टू ओ टी टी फैमिली मैन देन देन स्कैम फिर ग्रेट इंडियन मर्डर तो मेरे लिए तो ये इतना कमाल uh, चीज हुई है कि मैं बता नहीं सकता थिंग्स कम्प्लीटली चेंज मी आफ्टर ओ टी टी इनफैक्ट ओ टी टी एक जैसे मैं तो फिल्म लवर हूँ कंप्लीटली बचपन से फिल्म बफ और एकदम फिल्मी फिल्मी पने का बाप है अपन बहुत ज्यादा <laughs>

बट एक फिल्म जो है अ सीरीज जो है वो होती है सात घंटे आठ घंटे नौ घंटे yes. की तो फिल्मों में आप सबको सारे कैरेक्टर्स को उतना इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं उनके चीज़ों को बट ओ में आपको मौका मिलता है ओ जो है ना वो एक मुशायरे के जैसी होती है क्या बात है क्या वास। जैसे, वास। जैसे आ, मुशायरे में एक शायर आता है वो उनके आगे कुछ शमा रखी जाती है और वो अपने सब जो भी उनको शेर कहने हैं गें नज़में वो सब कहनी है वो सब कह देते हैं उनका हो जाता है मस्त क्या मैंने दिखा दिया मुझे जो दिखाना था तो वो क्षमा जो है फिर वो दूसरे के पास जाती, जाती है तो ऐसे ओटीटी में ना सारे एक्टर्स के पास वो क्षमा रखी जाती है अभी तू बोल <laughs> तो सबको इक्वल मौका मिलता है इसी वजह से वहां पर कोई आ, मुझे लगता है कि वो कि मेन लीड या सेकंड लीड अब वो ओटीटी में वैसा रहा नहीं क्योंकि सभी को अपना हुनर दिखाने का मौका इक्वली मिल रहा है बिल्कुल तो बिल्कुल। ये उसकी बहुत खास चा, खास चीज है एक एक्टर एक होने के नाते मुझे ये लगता है कि ये उसकी बहुत प्यारी चीज है आई लव दिस एनालॉजी। आज तक हमने बहुत सारे लोगों से ये सवाल पूछा है कि में और फिल्मों में क्या फर्क है बट <laughs> अगली बार आप ऐसे जवाब लाइएगा प्लीज आई वॉन्ट यू टू टेल मीन जब भी आप हाँ फैमिली मैन की बात करते हो योर फेस लाइट्स एंड आई नो वाई बिकॉज इतना प्यारे शो को मिला है बट आपके लिए इस शो ने क्या किया है लाइक पर्सनली अपार्ट फ्रॉम द फेम यू नो लोगों ने बहुत पसंद किया वगैरह वगैरह पर्सनली लाइक डू यू फील दैट उस सेट पे एक अलग एनर्जी है यू नो इज़ देर अ ग्रेट कैमरा यू नो जे के जो है uh, उसके साथ <laughs> आपने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से वो ऐसे बन गए मुझे पर्सनली ना एक जो बहुत खतरनाक अटैचमेंट है ना जो लोग मिले वहाँ पे मैंने फैमिली मैन से लोग कमाए हैं सबसे ज़्यादा mm. जो फिर आर मिला है पहली बार मैं जनता 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 तक पहुँचाऊँ वो फैमिली मैन की बदौलत लेकिन जो उस सेट पर जो लोग मुझे मिले ना वो ज़्यादातर हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो वो व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं और फिर वो अरे अगले हफ्ते मिलते हैं ये प्लान बनते हैं वो प्लान बनते हैं मिलता कोई नहीं है फिर वो ग्रुप धीरे धीरे फेड भी हो जाता है yeah. ज़्यादा से ज़्यादा कोई बीच में किसी ने जोक डाल दिया किसी ने वो कर दिया लेकिन फैमिली मैन का ग्रुप ऐसा है कि जिनसे मैं अभी भी टच में हूँ मनोज सर से मैं अभी भी मिलता रहता हूँ श्रेया सनी शाहब, सब इतने हम लोग क्लोज नेट है ना हम लोग फैमिली ही हैं जैसा कि लोग बोलते हैं कि अरे हम तो शूट के वक्त फैमिली हो जाते हैं ऐसा बोलते हैं लेकिन हम वाकई yes. ऐसा correct, 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 हुए हैं मतलब और हम आप देख सकते हैं हम लोग हमेशा अगर कभी मौका होता है कि सब एक ही साथ हैं शहर में क्योंकि अब सब काम कर रहे हैं अलग अलग चीजों पर

हॉपफुली इस साल हम शूट शुरू करेंगे कब पता नहीं मुझे एक्जेक्टली exactly, लेकिन Correct. होना चाहिए करेक्ट और मैं ही नहीं मैं मैं वेट कर रहा हूँ मैं तड़प रहा हूँ मैं तड़प रहा हूँ तलपड़े तड़प नहीं के है तड़पिंग तड़पिंग तलपड़ी एट दिस पॉइंट यू नो यू लुक बैक एट द कैरेक्टर्स �

अगर आप सिर्फ़ एक नाम लेने को बोलती तो मैं फिल्मिस्तान का नाम लेता क्योंकि वो ज़िंदगी भर मेरे दिल के सबसे करीब रहेगा चाहे मुझे उससे अच्छा काम उससे बड़ी फिल्म उससे बड़ा बड़े अवार्ड्स मिल जाए किसी भी काम के लिए कुछ भी हो जाए लेकिन फिल्मिस्तान जो है ना वो इट इज़ टू स्पेशल बहुत बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिल के करीब है उससे सब कुछ शुरू हुआ है और जब हमने क्योंकि मैं उसके राइटिंग आ, प्रोसेस yeah. से साथ में रहा हूँ yeah. और एंड तक जुड़ा रहा हूँ तो वो जर्नी पूरी मैंने देखी है फ्रॉम द इंसेप्शन स्टेज टिल द रिलीज तो वो और उसने जो प्यार दिया है वो अलग है भले वो गिनती में कम था बट वो बहुत ख़ास था और वो बहुत हार्ट था और जब कोई फिल्मिस्तान देख के मुझे मैसेज करता है तो उसका उसका पूरा मतलब अलग ही होता है अलग ही उसका प्यार होता है अलग ही मतलब वो क्योंकि वो फिल्म भी बहुत प्यारी है बिल्कुल तो फिल्मिस्तान एक <laughs> फैमिली मैन दो <laughs> फैमिली मैन तो मतलब क्या बताऊँ इतना मैंने एंजॉय किया है जे के प्ले करने में कि मैं आपको बता नहीं सकता बहुत मैं थोड़ा नर्वस था थोड़ा डरा हुआ भी था क्योंकि मनोज सर के साथ काम करना है और मतलब बहुत लेकिन जब शूट शुरू हुआ तो मनोज बाजपेई डिसअपियर्ड फॉर मी मतलब वो फिर तिवारी बन गए मेरे लिए और जब कैमरा रोल हुआ जैसी कैमरा ऑफ होता था, तो मैं कि जब कोई बड़े, जो, आपके जो फेवरेट है उनको देख के आप कैसे वो हो जाते हो मैं आज भी वैसे ही होता हूँ चाहे मैं उनके साथ कितना भी काम कर लू तभी भी मैं मतलब जब मेरे सामने अगर मेरा फेवरेट आता है तो मैं एकदम बिछ जाता हूँ बिल्कुल और मतलब तो मनोज सर मेरे बहुत फेवरेट हैं उनके साथ में जब मैं काम कर रहा था तो मैं बोला यार ये आदमी इतना इतना बड़ा मतलब मनोज दी मनोज वाजपेयी लेकिन वो अभी भी एक एक चीज के लिए मतलब कि यार और कितना बेटर कर सकते हैं और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं इसको और सीन में एक टेक हो गया इसके बाद में भी और क्या कर सकते हैं?

डे वन रियली मतलब कैमरा स्टार्ट <laughs> क्या वा? ऐसा हुआ कि जो कार वाले सीन्स थे वो हमने सबसे पहले शूट किए और तो उसमें वो सारे मस्ती वाले सीन्स थे कि अरे वो इमोजी वो कौन सा था हार्ट शेप कोट पे सब वो एक, वाला एक। एक। तो ये सीन के साथ में हमने मतलब ये शायद सेकंड सीन था जो हमने उस दिन शूट किया और ये सारे सीन्स के लिए जरूरी था कि एक एक बॉन्ड नजर आए एक, एक दोस्ती नजर आए वैसी की बिल्कुल कि भाई हाँ ये सब मैं पूछ सकता हूँ बीवी के मतलब मैसेज किया है किसी ने और मैं ऐसे धड़ल्ले से मैं वो सब पूछ रहा हूँ बट वो पता नहीं क्या ट्यूनिंग हमारी हुई जै, जैसे ही हमने शुरू शूट करना शुरू किया तो इतना मैं एकदम कनेक्ट हो गया मनोज सर के साथ में और वो बॉन्ड दिन ब बढ़ता गया, बढ़ता गया। मैंने इतना टाइम मतलब किसी के साथ नहीं स्पेंड किया है शूट पर क्योंकि लोग ज़्यादातर शूट करके अपने अपने वैन में चले जाते हैं और फिर शूट के वक्त वापस तो बाहर आते हैं हाँ। ज़्यादातर अमूमन यही होता मनोज सर के साथ में मैं मतलब जब हम शूट नहीं करते थे तभी भी मतलब जब बिटवीन द शॉट्स तो हम मैं उनके वैन में बैठा था, था हम लोग बातें करते थे गप्पे करते थे दुनिया भर की बातें फिल्मों के बारे में पॉलिटिक्स के बारे में हर चीज के बारे में उनसे तो मतलब किसी भी टॉपिक पे आप बात कर लो उनके पास वो ज्ञान का भंडार है <laughs> yeah. you, मुझे उनमें ना जीरो इनसिक्योरिटीज हैं वो आपको ये नहीं रोकते अरे यार ये मत कर अरे मेरा पंच जो है ना वो होना चाहिए बेस्ट या मेरा आई शुड हैव द लास्ट लाफ आई शुड हैव द बेस्ट डायलॉग इन द सीन आई शुड शाइन मोर ये वाला उनमें है ही नहीं और और इसके अलावा भी जो होता है ना ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि यार ये सीन में ना मैं कुछ कर जाऊँगा वो वैसे नहीं अप्रोच करते हैं सीन को. क्या बात है Fantastic. तो Fantastic. वो चाहते हैं कि जैसा सीन है वैसा हो जिस सीन में जिस कैरेक्टर की जो मतलब वो है जरूरत वो वो करे वो करे बिल्कुल तो वो उनमें जीरो इनसिक्योरिटीज है अगर मैंने कुछ एक कुछ इंप्रोवाइज किया तो वो ये नहीं बोलते अरे यार यहाँ ये वो और उसके ऊपर कुछ बोलते हैं और वो तो का किंग मनोज इम्प्रोवांग <laughs> वो तो इतना भयंकर इम्प्रोवाइज करते हैं राजे डी के कट ही नहीं करते क्या बात है हाँ क्योंकि वो सीन खत्म हो चुका है लेकिन सर बोले जा रहे हैं कुछ ना कुछ तो वो मतलब हमको इतना मजा आता है तो हमको भी वो मिलती है इंस्पिरेशन प्रेरणा मिलती है कि हाँ कुछ तो और करना चाहिए तो एज अ कोस्टार वो इतनी स्पेस देते हैं अपने को एक्टर को इतना कंफर्टेबल uh, फील कराते हैं कि आप फिर एकदम वो तो आप पूरी तरह से भूल जाते हैं कि हाँ भाई मनोज बाजपेयी के साथ काम कर रहे हैं वो निकल ही जाता है और उसका क्रेडिट मनोज बाजपेयी को जाता है एंड नंबर 3 नंबर 3 में मैं तीन नाम ये देखो पहले बोला मैं सिर्फ एक ही लूंगा तो अब आगे तो मैं, सारे मैंने तो आपको एक का दिया ना कि हाँ। अगर सिर्फ एक लेना है तो फिल्मिस्तान बिल्कुल हाँ। बिल्कुल इसमें मैं तीन इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि अभी मैंने एक दो फिल्में तो काफ़ी ताज़ा ताज़ा की और मैं मुझे उससे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला है बहुत ज्यादा बिल्कुल तो एक तो है जो जो थोड़ा पहले हुई है दरबान उसका नाम है जो बहुत पसंद है मुझे और मेरे अब तक का मेरे करियर का सबसे चैलेंजिंग रोल रहा है वो इनफैक्ट मुझे लगता है कि आ, काश में वो कैरेक्टर आज प्ले करता तो मैं और बेहतर कर सकता, बेहतर कर सकता था आ, बहुत ही इमोशनल ड्रामा है बिल्कुल मैंने मैंने मुझे ज़्यादातर कभी करने को मिला नहीं था उस सॉरी देखी डायरेक्टर है पहली मराठी फिल्म थी उत्तरायण जिसके लिए उन्हें बेस्ट मराठी फिल्म का नेशनल yeah. अवार्ड तो इसमें मैं हूँ शरद केलकर हैं रसिका दुग्गल है, का है हर्ष छाया हैं दिस इज ग्रेट आई लव गेटिंग अ रेकमेंडेशन ऑफ अ फिल्म दैट आई कैन गो एंड वॉच इमीडिएटली थैंक यू तो वो मुझे लगता है कि उसे जितना प्यार मिलना चाहिए था वो मिला नहीं जी yeah. तो एक वो है दरबान और अफवाह डेफिनेटली ऐसा है मुझे जब कि, कि जब मुझे पहली बार चीज ऑफर हुई थी तो मैं सोचा था यार ये मैं मतलब आ, सुमित व्यास का राइट हैंड बनना है मतलब सुमित व्यास खुद लंबे से और मतलब ऐसी पर्सनैलिटी है और उनका राइट हैंड मैं तो मैं तो मतलब एकदम छोटू सा <laughs> और उसके अलावा कि मतलब मैं को कोई ऐसे ये राइट हैंड टाइप का कैरेक्टर लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे लगा कि सबसे अच्छा लिखा हुआ किरदार तो मेरा है <laughs> बिल्कुल और और इस कैरेक्टर में मुझे देखना वो सुधीर मिश्रा सर और मुकेश आवरा भाई ने मतलब मुझे उस कैरेक्टर में वो मतलब देख रहे थे वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और मैंने कभी नहीं किया था इस किस्म का किरदार और मैंने जब काम करना शुरू किया इतना मजा आया मैं बता नहीं सकता सुधीर मिश्रा सर जीनियस है जीनियस, really genius, genius, इतना मजा आया उनके साथ फिर भूमि नवाज भाई सबके साथ में काम करके मतलब भूमि ने मेरा पहला ऑडिशन लिया था जब तक है जान या या जी थी तो मेरा पहला ऑडिशन भूमि ने लिया था और जब हम साथ में मिले तो ऐसा लगा जब फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे अभी भी वो वैसे ही है मतलब बिल्कुल कोई बदलाव नहीं बिहेवियर में और वार्म में ऐसा नहीं की अब वो बहुत बड़ी स्टार हैं या तो मतलब वो इतना प्यारा लगा मुझे आ, बहुत बहुत, बहुत मज़ा आया और नवाज भाई तो एकदम ही मस्त 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 आदमी है यार मैं चाहता हूँ कि और हम साथ में काम करें इन जल्दी yes. से हाँ ये मैनिफेस्ट करना, करना बनता है हाँ नवाज उद्दीन अंशार है ना और एक और है आपने बोला तीन बताऊँ तरला तरला मेरे लिए बहुत इतनी जब मैंने उसका नरेशन सुना था तो एक लौता नरेशन है मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी सुन चुका हूँ मैं जिसमें मेरी आंखें भर आई थी एक पॉइंट पे तो वो ऐसा इम्पैक्ट मुझे किसी और कहानी ने मतलब मुझ पर नहीं छोड़ा था और खासकर मेरा जो किरदार जिस तरीके से लिखा गया है जिस तरीके से मतलब उन्होंने उसे बनाया है पीयूष गुप्ता जो राइटर डायरेक्टर हैं और गौतम को राइटर जो हैं उनके इतना खूबसूरती से लिखा है वो किरदार उन्होंने नलिंद और

मुझे जब जब उनकी उनकी बेटी ने फिल्म खत्म होने के बाद बोला कि you portrayed my father beautifully, तो मैंने कहा यार ये ये सोच के ही वापस मेरे बाल yeah, yeah. <laughs> क्योंकि मैं मैं उनकी तरह बिल्कुल 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 भी नहीं bilkul, bilkul. But, uh, उनका ये मतलब मुझे उस किरदार में एक्सेप्ट करना वो मेरे लिए मतलब भी बहुत बड़ी विक्ट्री थी थिंक ग्रेटेस्ट अपार्ट फ्रॉम

बहुत ही जिगरी हैं वो तो वो सूरज बड़जातिया जी के असिस्टेंट थे okay. उस वक्त और उनको कुछ एक फ्रीलांसिंग जॉब मिला डिस्कवरी के लिए उसको हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट करना था तो उन्होंने बोला कि भाई तू हेल्प कर देगा तेरी हिंदी अच्छी है करेक्ट तो मैंने ठीक है मैं हेल्प करता हूँ तो हमने जब बैठ के लिखना शुरू किया तो उसने बोला भाई यू हैव अ फ्लेयर फॉर राइटिंग यू शुड यू नो थिंक अबाउट राइटिंग एज अ करियर क्योंकि एक्टर्स तो बहुत हैं और तब मैं चाहता था कि मैं एक्टिंग करूँ बट उन्होंने बोला कि एक और उनको एक और काम मिल गया एम टी वी का कुछ आ, लिखने के लिए रागेश्वरी लूम्बा जो MG, मैंने आ, देखे सभी रंग दुनिया के। के। <laughs> दुनिया के अरे ये ओह माय गॉड यस तो वो एक शो करती थी एमटीवी के लिए तो उसके लिए उन्होंने बोला कि उनके वीजे लिंक्स करने के लिए तो मैंने वो भी लिखा तो उनको पसंद आ गया तो मैं वहां पर लिखता गया लिखता गया yeah. लिखते लिखते कब मैं ए, फुल फ्लेजेड राइटर बन गया मुझे <laughs> एहसास ही नहीं हुआ इसका yeah. और वो राइटिंग फिर ज्वाइन किया चार साल एज अ राइटर काम किया तो रोज फिर हाँ, आप कुछ ना कुछ लिख रहे हैं लेकिन मैं उस लिखाई को लिखाई नहीं बोलूंगा वो तो खाली झूलेबाजी और एंटरटेनमेंट मस्ती जोक्स बट यही तो है स्पूफ बट उसने हेल्प किया मुझे एज एन एक्टर बहुत बहुत हेल्प किया क्योंकि अगर कुछ अगर मुझे कहीं पर लगता था कि आ, अगर डायरेक्टर डायरेक्टर से मैं ऑफ कोर्स राइटर और उनसे मशवरा लेके कि यहाँ पर मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ क्या और अगर उनको अच्छा लगता था तो तो प्रोजेक्ट, करता था उसको, प्रोजेक्ट ही बेहतर हो, हाँ, हो, हो जाता है ये जो हम <laughs> करने की कोशिश कर रहे हैं Uh, एक बहुत फायदेमंद चीज है जो आपके साथ है ये एक शस्त्र है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ एवर आई है no <laughs> नो वन अच्छा है पॉजिटिव कॉन्टेक्स इन अ लॉन्ग टाइम थैंक यू इतने अच्छे आदमी है आई डो थिंक दैट बीग अ राइटर इज़ डेफिनेट एडवाटेज अब यू नो ये तो होता है ना कि आप चलते जाते हैं और कारवा बनता जाता है ये तो हमने सुना हुआ है आई थिंक दैट द ब्यूटी ऑफ दिस जर्नी फॉर यू बिकॉज आपको यू डन सो मेनी थिंग्स बिकॉज यू जस्ट से चलो करके देखते हैं देखते हैं कहा जाते हैं एंड आई थिंक दैट दैट इज़ वॉट आई टेक अवे फ्रॉम योर जर्नी शारफ़ ये जर्नी मेरे हिसाब से आज हम मिल रहे हैं बस शुरू ही हुई है

हाय आई एम शारिफ हाशमी और अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फिल्म कंपेनियन लोकल लोकल लो बात <laughs>